Yes, we are live now. Hello, friends. This is Himanshi and welcome to Let's Learn and एंड करियर विल एज ये जो क्लास है आपकी बेसिकली ये नया बैच है पेडोकॉजी स्पेशल का सेकेंड बैच है फर्स्ट बैच फेब्रवरी में आया था और आप लोगों का अमेजिंग रिस्पॉन्स रहा उसके बाद एडमिशन्स क्लोज थे तो बहुत सारे लोग पिछले एक डेढ़ महीने से इस दिक्कत में थे कि नया बैच कब आएगा तो नया बैच आ चुका है इसके अलावा आज हम टॉपिक करेंगे क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती है एक डिस्कशन होता है प्रॉपर जो फर्स्ट क्लास है इस बैच की लर्निंग यानी अधिगम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और समझेंगे इस चैप्टर को लर्निंग को बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं ये डिटेल्ड बैच है अपने आप में तो डिटेल्ड बैच है तो थोड़ा सा स्लो चलता है यानी डेढ़ घंटा डेली क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे तीन बजे से साढ़े चार बजे तक तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हों या जिनको ज्वाइन करना हो पहले नहीं कर पाए हैं या जिनकी क्वेरीज रहती हैं कोई मजबूरी नहीं है बस रिकमेंडेड है ठीक तो किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं बायलिंग वाली ये बैच रहेगा इसके अलावा अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है करियर विल ऐप का जिनके साथ कोलेब्रेशन में ये आता है और वहाँ जा कर के आप ये अवेल कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल फीस चार से पाँच महीने चार महीने तो कहीं नहीं गए तीन से चार महीने का बैच है डेली कुछ अभी कुछ नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए ये इसकी फ़ी है क्योंकि फालतू की कोई कंफ्यूजन ना हो डायरेक्टली टू द पॉइंट हम बात कर पाए ठीक तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो सीखने में इंटरेस्टेड हैं एक बार अगर आप पेडोगलॉजी ढंग से कंप्लीट कर देते हैं इस बैच में तो बिल्कुल क्या कहें एक तरीके की श्योरिटी है कि आप पेडोगोलॉजी में मार्क नहीं खाएंगे चाहे सिलेबस चेंज हो ना हो ऑलमोस्ट जितनी भी जितने भी टॉपिक्स हैं कुछ नाइन यूनिट्स हैं इसमें तो आप करियर ऐप पर जाकर के वो सिलेबस मैं डलवा दूंगी तो उसको चेक कर लीजिए कि कौन से कौन से चैप्टर्स हम करने वाले हैं उसमें भी डिटेल रहेगी एक एक चैप्टर जो है वो कई कई दिन चलता है तो ये समझेंगे हम लर्निंग यानी अधिगम

तो इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे इस ऑब्वियसली इस बैच में जो नोट्स हैं और जो शीट्स हैं वो अवेलेबल हैं अब टाइम से आपको मिल जाएंगी मैंने एक टीम मेंबर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो थोड़ी आसानी होती है अब आपसे टाइम आपको टाइम पे नोट्स मिल पाएंगे ठीक है बात तो होपफुली आप सभी ज्वाइन कर चुके हैं यूट्यूब पर भी और करियर ऐप पर भी ये दो क्लासेस यहाँ भी होंगी इधर लेट्स लर्न पे भी बाकी ये बैच जो है वो करियर ऐप पर चलेगा इन्फॉर्मेशन अगेन आपको कुछ देखना हो तो ये देख लीजिए फिर कंटिन्यू करेंगे आज का सेशन ये पुराने बैच का पोस्टर है बट ये आज से शुरू हो रहा है ये बैच फर्स्ट अप्रैल एडमिशन अभी ओपन रहेंगे एक से दो हफ्ते ठीक तो ये एक बेसिक बात है और 24 फोर आवर्स तक इस पे भी हंड्रेड रुपीज ऑफ है चलिए फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हेल्पफुल है रहेगा है। आ जाते हैं वापस डिस्कशन पे टॉपिक है लर्निंग लर्निंग है क्या और कैसे इससे चीजें पूछी जाती हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेकर के और नोट्स तक सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करते रहते हैं जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है पिछले एक महीने से डेढ़ महीने से उनको बता भी है ये चीज ठीक बहुत बढ़िया लोकेश चलिए व्हाट इज लर्निंग यानी लर्निंग यानी अधिगम है क्या यानी अधिगम क्या है हम सभी को पता है हम लर्निंग बचपन से ही कहते रहते हैं घर वाले भी और आसपास भी स्कूल में भी सीख लो सीख लो सीख लो है ना और आजकल तो सारे मोटिवेशनल जो कोर्ट्स हैं वो सब बी के अराउंड रोटेट uh, करते हैं कि लर्निंग बेहतर होगी तो अर्निंग बेहतर होगी पता नहीं क्या क्या इसका मतलब क्या है धन्यवाद आकाश सिंह लर्निंग है क्या बेसिकली तो बिहेवियरिस्ट कहते हैं यानी व्यवहारवादी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का चैप्टर जिन्होंने समझा है उनको ये बात पता होनी चाहिए कि व्यवहारवादी कहते हैं कि लर्निंग क्या है ऑब्जर्वेबल चेंज है या रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है यानी लगभग हम कह सकते हैं अपेक्षित रूप से क्या है परमानेंट यानी स्थाई परिवर्तन है पूरी तरीके से स्थाई नहीं इसको रिलेटिवली कहेंगे हम अपेक्षाकृत स्थाई परिवर्तन ठीक है बात नहीं अगर सिर्फ कोर्स ले लेते हैं फिर मुझे नहीं लगता आपको बुक की जरूरत है देखो तैयारी आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो बट यही डिपेंड करता है कि आप सत्तर किताबें पढ़ेंगे उनमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो निकालेंगे तो बहुत बेहतर बात है फिर तो बेस्ट है और साथ में प्रीवियस ईयर या फिर सिर्फ एक इस कोर्स में या जो डिस्कशन किसी भी टीचर के द्वारा होता है उसका फायदा यही होता है कि वो सत्तर जो सोर्सेज हैं उनको कंबाइन करके आपके सामने पेश करता है और फिर आप एक्स्ट्रा में जो पढ़ें वो आपकी मदद के लिए है ठीक तो सेल्फ स्टडी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है बट चीजें आसान बन जाती हैं यदि आप कोई गाइडेंस ले, ले लेते हैं तो इट्स सिंपल ठीक अगर हम बात करें लर्निंग अपने आप में एक अलग यूनिट है जो लोग अभी नया ज्वाइन करेंगे उनका रोटेट होकर सिलेबस डेवलपमेंट का फिर से शुरू हो जाएगा लास्ट में उनका डेवलपमेंट का चैप्टर होगा ठीक वॉट इज लर्निंग यानी अधिगम क्या है अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है भाई दिमाग में ही तो जो प्रोसेस है वो मेंटल प्रोसेस है बेशक व्यवहार में आपको परिवर्तन देखें फिजिकली आप चेंजेस देख पाए बट रिलेटेड कहां से है मेंटल प्रोसेस है ठीक एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ रहा होता है यानी मेच्योरिटी की तरफ हम जा रहे होते हैं और मेचोरिटी की तरफ जा रहे होते हैं लर्निंग का संबंध डेवलपमेंट से भी है मतलब आप जैसे जैसे सीखते हैं आप डेवलप भी करते हैं एज अ ह्यूमन बींग या एज एन इंडिविजुअल तो अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए तथा अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए देखो दो तरीके से लर्निंग हो सकती है एक तो आपका एक्सपीरियंस यानी अनुभव और जो आपको ट्रेनिंग मिल रही है दोनों को अगर आप यूज करेंगे तो एक बेहतर अधिगम निकल करके आ सकता है मतलब लर्निंग की कोई एक ऐसी जगह तो है नहीं कि फिक्स्ड एक जगह है कि वहीं से आप सीखेंगे जब से आप जन्म लेते हैं यानी जीवन पर्यंत लर्निंग चलती है आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक आप जो भी एक्सपीरियंसिस लेते हैं जो भी ट्रेनिंग लेते हैं जो भी एफर्ट करते हैं उससे आप सीखते हैं आपके व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थाई परिवर्तन होता है जिसको हम अधिगम का नाम दे रहे हैं वैसे तो लर्निंग की बहुत सारी डेफिनेशन है इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं फॉरन साइकोलॉजिस्ट की तो कोई एक कॉन्क्लूजन निकालना तो बहुत मुश्किल है कि लर्निंग सिर्फ यही है बट ये ज्यादातर इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया जाता है ये जो इंग्लिश वाली डेफिनेशन है लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस यानी अनुभव की वजह से होने वाले अपेक्षाकृत और स्थाई परिवर्तन को अधिगम कहते हैं ठीक तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं आपने सीखा आज आप इस क्लास में आए हैं आपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद कुछ सीख रहे हैं और भी कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा कुछ पेपर दिया होगा कई बार फेल हुए होंगे एक व्यवहार में परिवर्तन होगा आप चीजें सीख जाएंगे ठीक आप साइकिल से लेकर के बाइक से लेकर के और एक फोन भी चलाना सीखते हैं तो आपके व्यवहार में तो परिवर्तन संभव होता है या नहीं बिल्कुल होता है जब आपको चीजें आ जाती हैं तो वो व्यवहार में परिवर्तन हो गया और ये परिवर्तन किसी बीमारी की वजह से नहीं है ये परिवर्तन स्थायी है ठीक है बात अगर हम बात करें तो कह सकते हैं एक ऐसी मेंटल प्रोसेस है जो आपको परिपक्वता की ओर लेकर के जा रही होती है मेच्योरिटी क्या है उसको आप सिखा नहीं सकते मेच्योरिटी समय के साथ आ रही होती है आपकी हेरिडेटरी एबिलिटीज के कारण इसमें क्या करते हैं आप अनुभवों का यानी एक्सपीरियंसेस का अपने लाभ उठाएंगे और व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करेंगे ठीक है बात कोई दिक्कत परेशानी कोई समस्या यहाँ तक समझने में तो हम कह सकते हैं लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थाई परिवर्तन लाती है ड्यू टू एफर्ट एंड प्रैक्टिस यानी जब हम ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण लेते हैं हैं अभ्यास करते हैं और तब हमारे व्यवहार में एक प्रगतिशील अपेक्षाकृत स्थाई परिवर्तन आए वो परिवर्तन जो नेक्स्ट जब तक कुछ हम नया नहीं सीखते या जब तक वो फाइनल कुछ और उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती तब तक वो स्थायी ही रहेगा ऐसा तो नहीं है ना आज आपको साइकिल चलानी आ गई कल आप भूल जाएंगे हो सकता है वो लर्निंग में हास हो जाए आपको टाइम लगे दोबारा से उसको अडेप्ट करने में अगर बहुत सालों तक नहीं चलाते बट फिर भी वो है वो दैट चेंज इज स्टिल देयर ठीक है बात तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग क्लियर हो गई बात कोई दिक्कत परेशानी दर्द कोई समस्या हो तो बता दीजिए आगे बढ़ेंगे अगेन वही बात जो हम कर रहे थे सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जा सकता मतलब ऑल चेंजेस आर नॉट लर्निंग ये नहीं कह सकते कि जितने भी व्यवहार में जितने भी बिहेवियर में चेंज हुए हैं वो लर्निंग ही है अभी आपने गुस्से में किसी को बुरा भला कह दिया ऐसे व्यक्ति को जो आपके लिए बहुत प्यारा है तो क्या आपने वही व्यवहार सीख लिया अब आप उसी भाषा में बात करेंगे आपने कोई स्लैंग में या कोई ऐसी बात कह दी जिस तरह का व्यवहार आप जनरली नहीं करते हैं तो क्या वो लर्निंग हो गई नहीं क्यों क्योंकि व्यवहार में सभी प्रकार के परिवर्तनों को या हर एक परिवर्तन हर एक चेंज लर्निंग नहीं है ये स्थाई अपेक्षाकृत स्थाई परिवर्तन है एक प्रोग्रेसिव प्रगतिशील चेंज है जो बेहतरी के लिए अर्थपूर्ण ढंग से मीनिंगफुल्ली होगा जिसका कोई अर्थ हो है ना किसी को बुरा भला बोल के तो उसमें तो कोई अर्थ छिपा नहीं है ना सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जा सकता जो भी ऐसे परिवर्तन हैं जो अस्थाई हैं या बिल्कुल ही टेम्परेरी हैं चाहे वो किसी ड्रग की वजह से यानी किसी दवा की वजह से किसी बीमारी की वजह से किसी थकान यानी फैटिक की वजह से हो रहे हैं उनको व्यवहार में परिवर्तन ऐसे जो व्यवहारों में परिवर्तन है उनको लर्निंग नहीं कहते कि आज आप थक गए और आपको कोई चीज याद नहीं आ रही एग्जाम में आप बहुत ज्यादा थके हुए थे सोए नहीं थे और चीजें याद नहीं आई तो कह देंगे कि लर्निंग है या लर्निंग हुई ही नहीं है ऐसा नहीं है ठीक तो थकान यानी फैटीग फैटीग ये बैच वही लोग ज्वाइन करें जिनमें पेशेंस हो डेली पढ़ने का डेढ़ डेढ़ घंटे और खुद से डेढ़ घंटे फिर पढ़ने का ठीक है फायदा तभी है फैटीग यानी थकान बीमारी कोई भी एक डिजीज हो सकती है कोई भय फियर से आपको किसी ने कोई काम करवा दिया सर पे बंदूक रख करके तो वो लर्निंग थोड़ी है आप आपने सीख थोड़ी लिया वो डर से क्या है टेम्परेरी चेंज है ठीक कोई दवा खाने से किसी दवा के सेवन से इन सबसे जो आने वाले परिवर्तन है उनको अधिगम में हम नहीं डाल रहे क्लियर है बात कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए बेसिकली टेम्परेरी चेंजेस को जो अस्थाई परिवर्तन है टेम्परेरी चेंजेस को हम लर्निंग की कैटेगरी में नहीं डाल रहे रिलेटिवली परमानेंट होने चाहिए अपेक्षाकृत स्थाई परिवर्तन होने चाहिए ठीक है बात क्लियर लक्षी मिश्रा बात क्लियर है यहां तक की ये जस्ट डेफिनेशन है अब फिर भी और बहुत सारे मनोविज्ञानी हैं जो लर्निंग पे अपनी बात कहते हैं तो उनकी डेफिनेशंस भी हम जान लेंगे आप लोग आतुर भी रहते हैं कई बार पूछ भी ली जाती है वैसे डेफिनेशंस आप बहुत हद तक याद नहीं रख सकते बट फिर भी आपको पता होंगी तो हेल्प मिल जाएगी उस टॉपिक को समझने में

बी एफ स्किनर है वो कहते हैं कि मोटिवेशन इज अ नेशनल हाईवे टू लर्निंग यानी मोटिवेशन जो है प्रेरणा जो है अधिगम के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग के जैसा है मतलब जितनी तेज आपकी गाड़ी एक नेशनल हाईवे पे दौड़ती है उतनी तेज आपकी लर्निंग की गाड़ी दौड़ेगी यदि आप मोटिवेटेड हैं तो यानी अभिप्रेरित हैं तो, तो बच्चे का मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है उसका इंटरेस्टेड होना बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी एक चीज में सीखने के लिए और जो एनवायरमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एनवायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सीखने के लिए आपको एक माहौल चाहिए ना क्यों आप टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ रहे हैं क्यों आप स्कूल जाके पढ़ना पसंद करते हैं क्यों कई लोग बैचेस ज्वाइन करके ही पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है एक सीरियसनेस एक माहौल चाहिए उनको अपने जैसे मेंटेलिटी वाले लोग चाहिए है ना तो ये क्या है इंटरेस्ट आपका मोटिवेशन और एनवायरमेंट क्या करते हैं इनका बहुत विशेष स्थान है इवन एक और चीज आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है जो अचेतन मन है उसका भी बहुत बड़ा स्थान है क्योंकि लर्निंग जो है वो उस लेवल तक बार बार एफर्ट और प्रैक्टिस के थ्रू होनी चाहिए कि अचेतन रूप से भी आपको चीजें आ जाए है ना आप बहुत सारी चीजें मल्टीटास्किंग भी कर लेते हैं ना कई लोग कार चला रहे हैं और बात भी कर रहे हैं और भी कई बार आपका इंस्टिंक्टिवली आप ऐसे बिहेव कर जाते हैं कि आप किसी एक्सीडेंट से बच गए क्या है ये अचेतन रूप से भी आपने सीख लिया उस चीज को ठीक तो आपका इंटरेस्ट सबसे जरूरी अगर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है सीखने के लिए उसको एग्जाम निकालना ही नहीं है वो क्यों आएगा यहां क्यों मेरे और आपके साथ डेढ़ घंटे तक सर मारेगा कोई पॉइंट ही नहीं है ठीक प्रेरणा मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है कि हां करना है और उसके लिए फिर आपको एनवायरमेंट क्रिएट करना होगा ठीक है राजेंद्र जी तो ये बात क्लियर है या नहीं है इंटरेस्ट मोटिवेशन एनवायरमेंट ये सारी चीजें और आपका अनकॉन्शियस माइंड ये सब चीजें क्या करती हैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती हैं अधिगम को ठीक है ये बात कोई दिक्कत परेशानी ये बिल्कुल बेसिक से है ये बैच अब कुछ लोगों ने डेफिनेशन दी है अलग अलग कुछ लोगों ने डेफिनेशन दी है अलग अलग अब इसमें से बहुत सारी अनगिनत डेफिनेशंस हैं, बट मैंने कुछ काम की डेफिनेशंस को आपके सामने रखा है जो बहुत ही कॉमन है और जिनसे आपको समझने में भी आसानी होगी कि है क्या लर्निंग ठीक डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग यानी अधिगम की परिभाषाएं गेट्स गेट्स क्या है बहुत ही फेमस हैं अगर हम मनोविज्ञान की बात करें या एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें गेट्स ने एक डेफिनेशन दी है अधिगम द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है अनुभव द्वारा यानी एक्सपीरियंस के थ्रू जो आप चेंज ला रहे हैं व्यवहार में बिहेवियर में दैट इज लर्निंग मतलब चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग ऐसा कौन कह रहे हैं गेट्स कह रहे हैं आपने कोई चीज अनुभव की एक्सपीरियंस किया किसी चीज को आपने प्याजे के एक्सपेरिमेंट को होते हुए देखा अपने सामने किसी बच्चे को आपने एक्सपीरियंस किया रहे ये तो ऐसे है आप सीख गए ठीक आपने गाड़ी चला करके देखी आपने साइकिल चला करके देखी आपने कोई फोन चला करके देखा ये स्मार्ट बोर्ड चला करके देखा अनुभव किया किसी चीज को परिवर्तन आया व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थाई आया तो क्या होगा अधिगम है ऐसा कौन कह रहे हैं मैं नहीं कह रही हूं गेट्स कह रहे हैं ठीक है बात वुडवर्थ क्या कहते हैं वुडवर्थ कहते हैं नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया अधिगम की प्रक्रिया है यानी आप न्यू नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं न्यू एक्टिविटीज को आप एक्वायर कर रहे हैं न्यू स्किल्स को आप मतलब नॉलेज स्किल इन सब चीजों को जब आप अडेप्ट करते हैं एक्वायर करते हैं दैट इज लर्निंग ऐसा कौन कह रहा है वुडवर्थ कह रहे हैं क्रो एंड क्रो बहुत फेमस है हस्बैंड वाइफ थे क्रो एंड क्रो की यदि हम बात करें तो ये कहते हैं सीखना आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है मतलब एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड्स भाई सीखते समय आपका क्या है? किसी चीज के प्रति क्या होगा जो एटीट्यूड है जो अभिवृत्ति है जिस जो नजरिया है वो भी तो बदल बदलेगा ना क्लियर है बात या नहीं आप किसी चीज के बारे में किसी और तरीके से सोचते थे आपने बायोलॉजी पढ़ी या कोई एक चीज पढ़ी आपको पता लगा अरे इसका तो रीजन ऐसा होता ही नहीं है एटीट्यूड में परिवर्तन आया कि नहीं आया बिल्कुल आया तो हम क्यों कह रहे हैं कि लर्नेड जो पर्सन है जो एक सीखा हुआ पर्सन है जो सीखता है चीजों को वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है चीजों को लेकर के उसके एटीट्यूड में उसके बिलीफ में उसके आइडियाज में परिवर्तन संभव है लर्निंग की वजह से ठीक तो सीखना आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है यानी एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एटीट्यूड आप अडेप्ट कर रहे हैं सीखने की प्रक्रिया में ऐसा क्रो एंड क्रो कर रहे हैं नहीं ये कंबाइंड बैच है सारे ही टीचिंग एग्जाम्स को वो टारगेट करते हुए बिल्कुल बेसिक से ऐसे टॉपिक्स जो कम पूछे जाएं ज्यादा पूछे जाएं बट इंक्लूडेड हैं क्लियर हो गई बात आगे बढ़ेंगे अब सीखने की कुछ विशेषताएं हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फीचर्स हैं लर्निंग के कुछ लर्निंग के कुछ फीचर्स हैं कुछ इसकी विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे no? है ना? विशेषताएं हैं, लर्निंग की कुछ विशेषताएं हैं बेसिकली लर्निंग हर जगह हो रही है एनी टाइम एनी वेयर हर समय आप स्कूल में भी सीख सकते हैं आप घर पे भी सीख सकते हैं आप किसी अनजान से भी सीख सकते हैं आप किसी किताब से भी सीख सकते हैं आप किसी निर्जीव चीज से भी सीख सकते हैं बेसिकली सीखना यूनिवर्सल है सब जगह हो रहा है और सब में हो रहा है ये कह सकते हैं ठीक है बात अगर मैं बात करूं लर्निंग इज यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक है पूरी दुनिया में और लगभग हर जीव में होती है ना जानवरों को भी सिखा रहे हैं लोग पौधे भी एक बिहेवियर सीख रहे हैं कई बार इंसानों की तो बात ही अलग है तो लर्निंग क्या है यूनिवर्सल है सब में होती है और हर समय होती है हमेशा होती रहती है ऐसा नहीं है कि रुक जाएगी तो लर्निंग इज यूनिवर्सल सार्वभौमिक है पूरी दुनिया में सभी जीवों में पाई जाती है जो कोर्स नहीं ले सकता उनके लिए रात को क्रैश कोर्स चल रहा है वो देख सकते हैं ठीक है टाइमिंग इस बैच का तीन से साढ़े चार ही रहेगा यानी लर्निंग इज यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक है सभी में होती है और सभी जगह होती है ठीक है बात नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड यानी उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है ऐसा नहीं मुंह उठा के कहीं भी चलती है ठीक ऐसा नहीं है आज आए कोर्स लिया चार दिन लाइव हुए पांचवे दिन से सोचा रिकॉर्डेड देखेंगे एक साथ अब एक साथ तो देख लिया ठीक तो ये क्या है एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है पेडोगोलॉजी इस तरीके से प्रिपेयर करनी है चैप्टर चैप्टर वाइज और क्या करना है एक उद्देश्य है आपके सामने है तो आप उस उद्देश्य को भी ध्यान में रखेंगे चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है इसके साथ एमसीक्यूज भी लगाने हैं क्योंकि पेपर का उद्देश्य क्या है कि एमसीक्यू भी सॉल्व करने पड़ेंगे वहां पर ये क्या है ऑब्जेक्टिव है एक उद्देश्य के लिए आप लोग सभी यहां जुड़े हुए हैं चाहे वो सीटेट एग्जाम हो चाहे वो के हो एक उद्देश्य को आप सामने रख करके पढ़ रहे हैं ना यहाँ एक उद्देश्य है तो लर्निंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है गोल होता है आपके सामने मान लीजिए मुझे ड्राइविंग सीखनी है, तो मेरे सामने गोल है कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है ठीक आपके सामने एक गोल होगा आपको शिक्षक बनना है सरकारी या जैसी भी नौकरी आपको लेनी है वो आपका गोल है तो इसीलिए आप सीख रहे हैं आज ठीक छोटू पटेल जस्ट जस्ट सिक्स है जो फी है पूरे पांच महीने की और होपफुल अब ये चीज आपको क्लियर होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है बार बार सेम चीज पूछोगे तो दिक्कत रहेगी ठीक है लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग यानी जीवन पर्यंत है लर्निंग क्या है जीवन पर्यंत होती है लाइफ लॉन्ग है ऐसा नहीं है आज रुक जाएगी और कल फिर शुरू हो जाएगी बेसिकली लर्निंग हमेशा होती रहती है आपकी लर्निंग कभी नहीं रुकती आपकी एज कुछ भी हो गई हो अगर आप चाहें तो हमेशा सीखते रह सकते हैं वैसे सीखते ही रहते हैं हम बट प्रक्रिया या जो आपका रेट है वो कम ज्यादा चलता रहता है ठीक तो लर्निंग इंग्लिश और हिंदी में नोट्स अलग अलग मिलेंगे लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग यानी जीवन पर्यंत है हमेशा होगी लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसिस यानी अनुभवों का संगठन है मतलब जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उनको आप ऑर्गेनाइज करवाए डॉट्स को आप कनेक्ट कर पाए तभी तो समझ आएगा कि सीखा क्या आपने ठीक है बात लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट यानी ये समायोजन की प्रक्रिया है समायोजन की प्रक्रिया है एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है आप किसी सिचुएशन में क्या कर पा रहे हैं समायोजन कर पा रहे हैं अपने दिमाग में किसी एक कॉन्सेप्ट को एडजस्ट कर पा रहे हैं अडेप्ट कर पा रहे हैं तो ये क्या कहलाया लर्निंग कहलाई ये इसकी विशेषता हुई एक तरीके से बस सीखना क्या है आप अडेप्ट करना सीखना है यह भी तो इंपॉर्टेंट है ना लर्निंग इज ग्रेजुअल लर्निंग क्या है ग्रेजुअल है क्रमिक है अब इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि ये बैच क्यों नहीं रिकॉर्डेड हो गया भाई बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं लेट्स लर्न पे ये रिकॉर्डेड ही क्यों नहीं मिल गया आपको एक साथ ही क्यों नहीं मिल गए सारे चैप्टर्स उसका सिंपल सा मतलब ये है लर्निंग एक दिन में झटके से नहीं होती अचानक से नहीं होती है कि लीजिए आप चिट्टी रोबोट नहीं है जो ऐसे ऐसे किताब पलटता है और दिमाग में सारी चीजें बैठ जाती हैं आपको डेली 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 कोई टॉपिक समझ भी लिया तब भी आपको उसको ढंग से सीखने में समय लगेगा एक दिन में तूफान नहीं खड़ा कर देंगे आप जो लोग जल्दी सीख रहे हैं मतलब प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है या इंटेलिजेंस का लेवल थोड़ा बेहतर है ठीक है बात तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग इज ग्रेजुअल प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है आप अगेन मैं एक वही एग्जाम्पल ले रही हूँ साइकिल चलाना आप सीखते हैं आपको लगता है साइकिल चलानी आ गई और आपने चलाना भी शुरू कर दिया किस दिन आप रोड पे गए बहुत ट्रैफिक है आप बिल्कुल हाथ कांप रहे हैं आपके डर लग रहा है आपको क्या है लर्निंग तो हो गई सीख तो लिया आपने लेकिन ग्रेजुअली होगी एकदम से नहीं हो जाएगी जस्ट स्टेप सीख लेना लर्निंग नहीं हो गई मतलब टाइम लगेगा आपने कार या बाइक चलाना सीखा आपको पारंगत होने में उसको ढंग से सीखने में टाइम लगेगा डेली डेली आपको वो चीज करनी पड़ेगी आपके डेली रूटीन से वो जुड़ी होनी चाहिए तभी जाकर के लर्निंग बेहतर हो पाएगी तो लर्निंग ग्रेजुअल है धीरे 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 होती है धीमे धीमे होती है ठीक है तो एक दिन में अचानक से नहीं हो जाएगी टाइम लगेगा आपको मास्टरी हासिल करने में इसीलिए आप डेली डेली पढ़ते हैं डेली डेली रिवीजन करते हैं प्रैक्टिस करते हैं वीकली क्यों क्योंकि लर्निंग ग्रेजुअल है एक दिन में दस घंटे की मैराथन देख लेने से दिमाग में सब कुछ फिक्स नहीं हो जाएगा रिवीजन के टाइम पे देखोगे तो फायदा है बट दस घंटे एक दिन में देख लोगे या मैं ये सिलेबस आपका मान लीजिए तीन दिन लगातार लाइव करके खत्म कर दूं कुछ समझ में नहीं आएगा मतलब क्या है एक दिमाग की भी लिमिट है ग्रेजुअली ही आप सीखते हैं धीरे 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 ठीक क्लियर हो गई बात तो लर्निंग क्या है ग्रेजुअल है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अगर मैं बात करूं तो ये यूनिवर्सल है सभी में होती है सभी जीवों में होती है सभी जगह पर होती है गोल एक उद्देश्य के लिए होती है लाइफ लॉन्ग है जीवन पर्यंत चलेगी आपके जो भी अनुभव है उनको समेटना आना चाहिए आपको ये एक विशेषता है ग्रेजुअल है यानी क्रमिक है धीरे 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 एड ऑन होती रहती है ठीक क्या है एड ऑन होती रहेगी ये बात क्लियर है कोई समस्या परेशानी कोई दर्द दुख हो तो बताइए फटाफट से बताइए क्लियर है ना ये बात आगे बढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग अब अधिगम को भाई विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी हमने पढ़े हैं जिनका नया बैच है उनका अभी विकास चैप्टर नहीं हुआ है उनका बाद में होगा ठीक फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं दो दो कैटेगरीज में हम इनको विभाजित कर सकते हैं एक हो सकते हैं पर्सनल फैक्टर्स यानी जो शिक्षार्थी से संबंधित हैं दूसरे हो सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आपके पर्यावरण से रिलेटेड हैं ए पर्सनल फैक्टर्स यानी व्यक्तिगत या शिक्षार्थी से संबंधित तत्व व्यक्तिगत कारक कहेंगे इनको ठीक दूसरी कैटेगरी हो सकती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी पर्यावरणिक जो भी यार इसको ठीक कर लेना कारक अब पर्यावरण में क्या क्या आ सकता है आपका स्कूल आ सकता है स्कूल का एनवायरमेंट आ सकता है टीचर की नॉलेज आ सकती है आपकी जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है वो आ सकता है बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट में आती है ये बात क्लियर है या नहीं आप मोहित कह रहे हैं पेडागोजी स्पेशल बैच में अभी पीपीटी और पीडीएफ दोनों नहीं मिल रहे हैं वही तो मैं अभी आपको शुरुआत में बता रही थी कि एक टीम मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं जो यही देखेंगे पूरी लिस्ट बन चुकी है नोट्स टाइम पे जाएंगे अब से आपके दोनों ही बैचेज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं इवन सभी बैचेस में कुछ तो आपको मिल गए ऐसा नहीं है कि नहीं मिले तो और ऊपर से ट्रांसलेशन का वर्क भी चल रहा था कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग देने के लिए ठीक है बात ये बात क्लियर है यहां तक की या नहीं तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भाई लर्निंग पॉजिटिवली भी अफेक्ट होगी कुछ चीजों से नेगेटिवली भी अफेक्ट होगी अगर आपको सही ट्रेनिंग मिल रही है सही न्यूट्रिशन मिल रहा है सही आपका बुद्धि का स्तर ठीक है क्या होगा जल्दी सीख पाएंगे क्या है प्रभावित कर रहा है अगर मेंटली भी आप ठीक फील नहीं कर रहे मिच्योर नहीं है आप प्रभावित करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से प्रभावित हो सकती है लर्निंग फैक्टर्स यानी कारक कौन से हैं एक व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं दूसरे एनवायरमेंटल रिलेटेड कारक हो सकते हैं छुट्टी हो गई बात मतलब क्लियर हो गई बात कोई लिख रहा है सामने छुट्टी तो मैं भी छुट्टी बोल रहा हूं अभी इसको समझेंगे और लर्निंग कर्स पे हम आएंगे लर्निंग कर्व बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन उनपे भी फोकस कीजिएगा मौसम कहां समस्या हो रही है करियर विल में कमेंट लूंगी बैच कब तक एंड होगा चार महीने लगेंगे मॉल डेवलपमेंट की बात प्याज करते हैं पहले मिल जाएंगे नोट्स रुको एक से दो दिन धन्यवाद आरती और बताइए बिल्कुल चलिए फिर आगे बढ़े कमेंट्स ले रही हूँ मैं आपके मैम अब आप हंसते नहीं हो हंस लेंगे भाई कोल्ड हो रहा था बहुत ही ज्यादा और अभी किसी तरह से ग्रीन टी पी के आपके सामने प्रस्तुत हूं तो इसलिए हंसी कम आ रही है थोड़ी है ना अदरवाइज कोई ऐसा गम नहीं है जिंदगी में आप लोग हैं तो क्या गम है, है ना खैर फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ये एक साल तक है इसकी वैलिडिटी ये रिकॉर्डेड क्लास भी रहेंगे डेली लाइव तो आप ज्वाइन कर ही रहे हैं जो लोग लाइव नहीं भी देख पाते हैं वो एक साल तक वापस से कितनी भी बार वीडियोस को देख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है परेशान मत हुआ करो छोटी छोटी चीजों को लेकर ठीक लर्निंग लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स फैक्टर्स यानी पर्सनल बच्चे से संबंधित जो कारक है उनपे चर्चा कर लेते हैं नहीं ये क्लास जो है बैच में होगी दो दिन यहाँ लेट्स लर्न पे डेमो क्लास के रूप में आपको देखने को मिल रही है कि क्लास होती कैसे ये आपको पता चल जाए पर्सनल फैक्टर्स आप इनको कह सकते हैं व्यक्तिगत कारक या अधिगम कर्ता से लर्नर से स्टूडेंट से रिलेटेड फैक्टर्स लर्नर रिलेटेड यानी शिक्षार्थी संबंधी संबंधित कारक देख लेते हैं कौन से कारक है मोटिवेशन एक बच्चे का मोटिवेशन का स्तर क्या है लर्निंग के लिए मोटिवेशन आवश्यक है आप सीख ही नहीं सकते यदि आप मोटिवेटेड ही नहीं है जबरदस्ती थोड़ी भर देगा कोई आपके दिमाग में ठीक तो अभिप्रेरणा बच्चे का जो अभिप्रेरणा का स्तर है मोटिवेशन का स्तर है वो मोटिवेटेड है भी या नहीं है चार दिन मोटिवेटेड है पांचवे दिन रहेगा कि नहीं रहेगा ये सब उसकी लर्निंग को उसका अधिगम कैसा होगा इस चीज को प्रभावित करेंगे एज यानी आपकी जो आयु है शिक्षार्थी की जो एज है उसी के अकॉर्डिंग तो वो सीखेगा तो एज भी प्रभावित करेगी मेचोरिटी यानी परिपक्वता अब एज के अकॉर्डिंग ही कुछ चीजें आपके अंदर आती हैं मेच्योरिटी आपके अंदर बहुत सारी चीजों को लेके हेरिडिटी से एज के अकॉर्डिंग आती है तो आप यदि मेच्योर ही नहीं है किसी चीज को सीखने के लिए आप एक पांचवी क्लास के बच्चे को अगर ये सब मैं पढ़ाऊं या डिस्कस करें हम तो समझ में नहीं आएगा उसका रीजन क्या है अभी मेच्योर नहीं है आप बच्चे को दौड़ना नहीं सिखा सकते जब तक उसके पैरों में जान नहीं है खड़े होने की भी ठीक है बात फिर है इंटेलिजेंस यानी उसकी बुद्धि का स्तर जिनकी बुद्धि का स्तर ज्यादा बेहतर है वो जल्दी से सीख लेते हैं चीजों को जो बिल्कुल ही आईक्यू लेवल बहुत ही कम है तब भी दिक्कत है ठीक एप्टीट्यूड यानी उनके अंदर अभिषमता वो इनहेरेंट एबिलिटी है कि नहीं है स्किल को एक्वायर करने की ठीक आप कितने भी अच्छे नंबर लाते हो हर कोई शिक्षक नहीं बन सकता बहुत ही अच्छा जबरदस्ती बन जाए तो बात अलग है जरूरी नहीं है आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट में बहुत अच्छा कर जाएंगे आपके अंदर एप्टीट्यूड आपके अंदर वो क्षमता भी है है ना तो एप्टीट्यूड क्या है आपके अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं है कि आप किसी स्किल को सीख पाएंगे या नहीं तो जिस चीज को आप सिखा रहे हो उसके लिए बच्चे में एबिलिटी या एप्टीट्यूड का होना भी जरूरी है कुछ हद तक आप इसको डेवलप करा सकते हो बट पूरे तरीके से नहीं करा सकते आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी को भी उठा करके सचिन तेंदुलकर बना दोगे ठीक उसके लिए एप्टीट्यूड भी होना जरूरी है और फिर मेहनत ठीक फैटीग यानी थकान अगर बच्चा थका हुआ है

अगर आप थके हुए हैं हर टाइम आप थका हुआ फील करते हैं जैसे आजकल मेरी स्थिति है तबियत थोड़ी ढीली हो जाती है तो क्या होगा काम नहीं हो पाएगा लर्निंग नहीं हो पाएगी ठीक से है ना तो इंपॉर्टेंट है कि जो फैटीक है वो ना हो फटीक फ्री हो आप करियर विल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा बैच ज्वाइन करने के लिए अगेन मैं बता देती हूँ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज्वाइन कर लिया करो दुखी मत हो जाए करो छोटी छोटी चीजों पर है ना करियर विल ऐप प्ले स्टोर से जाकर के वहां दिख जाएगा पेडागोजी स्पेशल बैच टू क्लियर है बात देखिए करवाएंगे रीड की अंग्रेजी करवाएंगे यूट्यूब पे करवा देंगे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बच्चे की जो शारीरिक स्वास्थ्य है और उसका मानसिक स्वास्थ्य है अगर आप डिप्रेस्ड हैं कोई क्लिनिकली प्रॉब्लम है आपको कोई साइकोलॉजिकल सीखने को प्रभावित करेगा मैं ये नहीं कह रही हूं कि सीखना हो ही नहीं सकता बताइए आकाश सीखना हो ही नहीं सकता ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रभावित है तो बट ढंग से नहीं होगा या कई बार नहीं भी हो पाएगा ठीक है बात तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कैसा है बच्चे का उस पर भी निर्भर करेगा कि उसकी लर्निंग कैसी होगी इंटरेस्ट किसी चीज में रुचि है कि नहीं तो रुचि भी पैदा करना एक तरीके से अध्यापक का काम है एटीट्यूड किसी चीज को देख लेकर के नजरिया कैसा है उसके बिलीफ उसके आइडियाज कैसे हैं अगर कोई किसी चीज को सीखना ही नहीं चाहता कैसे सिखाओगे एक नेगेटिव एटीट्यूड लेकर के बैठा हुआ है अरे ये तो टीचर ही बेकार है अब सिखा लो ऐसे इंसान को आप चाहे बिल्कुल सोना दे दो बेस्ट डिस्कशन कर दो ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका एटीट्यूड ही है कि ये तो बेकार ही है या इससे तो कुछ होगा ही नहीं हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे या मेरा तो एग्जाम क्लियर कभी होना ही नहीं है मैं कुछ भी कर लूं तो इस एटीट्यूड से तो आप क्लास में बैठे भी होंगे तब भी नहीं सीख पाएंगे तो एटीट्यूड को सही रखना जरूरी है पॉजिटिव एक एटीट्यूड रखना जरूरी है चीजों के प्रति कि हाँ सिलेक्शन होते हैं और टीचर सिलेक्शन नहीं हमारी मेहनत जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर सिर्फ दिशा दिखा सकता है हम एक डेली डिसिप्लिन में आ पाए डेली क्लास लेकर के ये काम है टीचर का और उसके अलावा हम जो मेहनत करें वो बेहतर है एक इंटरेस्ट क्रिएट हो पाए सब्जेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है आएगी आएगी शालू कुमारी विलिंगनेस टू लर्न भाई इच्छिक इच्छिक तो हो बच्चा सीखना तो चाहे विलिंगनेस हो एस्पिरेशन लेवल देखो सबका ना एस्पिरेशन लेवल आकांक्षा का स्तर अलग है जितना आपका आकांक्षा का स्तर होगा हो सकता है किसी के लिए दो टाइम की रोटी मिलना ही एस्पिरेशन हो कि भाई खाना टाइम पे मिल जाए ये जरूरी है मेरे लिए किसी के लिए हो सकता है कि वो सोने पे भी सो जाए तब भी नहीं उसकी भर्रा पेट मतलब एस्पिरेशन लेवल आप कि, आपकी आकांक्षा क्या है आप जाना कहां चाहते हैं आपका लेवल जो आपके दिमाग में है वो क्या है तो एस्पिरेशन लेवल भी प्रभावित करेगा कि आप लर्निंग पे कितना फोकस करेंगे और कितना हद तक सीख पाएंगे आगे बढ़ेंगे टीचर रिलेटेड फैक्टर्स यानी शिक्षक से संबंधित कारक शिक्षक संबंधी कारक अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स शुरू हो गए जो आपके पर्यावरण से संबंधित है अब तक हम शिक्षार्थी से संबंधित फैक्टर्स की बात कर रहे थे उसकी एज उसकी मेच्योरिटी उसका इंटरेस्ट उसका एप्टीट्यूड उसका बिलीफ उसका एस्पिरेशन uh, लेवल उसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ ये सब हम शिक्षार्थी की बात कर रहे थे अब हम बात करेंगे किसकी शिक्षक की टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज भाई टीचर भी तो इंपॉर्टेंट है इवन मैं कूं बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक बैच वालों में कमेंट नहीं ले रहे हैं मुकेश कुमार कह रहे हैं हाँ अभी के लिए नहीं ले पा रही हूँ वो सेटिंग उस तरीके की नहीं हुई है बट कोई बात नहीं आज और कल ही है यहाँ पे क्लास परसों से आप ही लोगों कॉमेंट लिए जाएंगे ठीक तो टीचर रिलेटेड फैक्टर्स यानी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज पाठ्य सहगामी क्रियाएं, भाई जो एक्टिविटीज आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल है आपका जो टी आप बना करके ले जाते हैं जिससे इंटरेस्ट पैदा हो बच्चे में वो भी तो मैटर करेगा ना कैसे आप प्याजे की थ्योरी तो सेम है हो सकता है कई लोगों को मेरी ही समझ में आती हो कई लोगों को किसी और की समझ में आती हो तो वो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो जो इंटरेस्ट पैदा करना है शिक्षक का वो अलग अलग हो सकता है और वो लर्निंग को प्रभावित करेगा एक व्यक्ति की बात आपको आसानी से समझ में आ जाती है एक व्यक्ति की बात आपको समझ में ही नहीं आती ठीक एक व्यक्ति मुश्किल चीज को भी आसानी से समझा पाता है एक व्यक्ति आसान चीज को भी मुश्किल बना देता है क्या है ये टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज जैसी क्लासरूम में हो रही है वो प्रभावित करेंगे आपके अधिगम को नॉलेज ऑफ दी सब्जेक्ट एंड बिहेवियर जो विषय का ज्ञान है दैट इज इंपॉर्टेंट भई नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की चाहे कुछ भी कर ले आपने कितनी भी डिग्रीज ले ली अगर नॉलेज नहीं है तो फिर क्या होगा बच्चा प्रभावित होगा और आप ऐसे शिक्षकों को देखते हैं हमारी व्यवस्था में भरपूर देखते हैं आप कितनी वीडियोस वायरल हैं और ये पुराने शिक्षकों की बात नहीं कर रही हूं मैं आज के टाइम पे भी ये चीजें होती हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर जा रहे हैं और वो बुरा भला कह रहे हैं उनको क्योंकि वो एक सिंपल चीज नहीं बता पा रहे हैं अपने जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं उस लेवल की भी क्या है फिर ये नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड व्यवहार भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपने किसी बच्चे को ये कुछ बच्चों को तो आपने फेवरेट बना के रखा हुआ है कुछ बच्चों की तरफ आप देखते भी नहीं है क्या है ये ये बहुत बड़ी समस्या है इससे क्या होगा बच्चा जिसकी तरफ आप देख भी नहीं रहे हैं या जिसको आप पॉजिटिव लेते ही नहीं है वो क्या है उसकी लर्निंग प्रभावित होगी वो अपने आप में डिमीन हुआ समझेगा खुद को या खुद को वो क्या समझेगा कि मैं निरर्थक हूं मुझे समझ में आना नहीं है या मेरे में ही कोई कमी है है ना मुझे अच्छे से याद है एक शिक्षक थे आई थिंक नाइन्थ क्लास में और वो मैथ्स पढ़ाते थे तो चेंज हुए थे टीचर तो मैंने उनको एक दिन कहा वो कुछ बोल रहे थे मैंने कहा सर समझ में नहीं आता है ये दो तीन चैप्टर निकल गए थे और उन टीचर का समझ में आ ही नहीं रहा था तो मैंने उनको ये बात बोली एक आउट ऑफ इनोसेंस उन्होंने क्या किया कुछ दिन तक इग्नोर किया अब ये जो व्यवहार है ये लर्निंग को अफेक्ट करेगा फिर तो आप कभी बताएंगे नहीं किसी टीचर को कि आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका है ना क्योंकि वो तो ईगो पे ले लेगा ले तो ये क्या है जो शिक्षक का व्यवहार है वो भी टीचर को मतलब आपके लर्नर को और उसकी लर्निंग को प्रभावित करेगा ठीक है रजनीश कटियार एक ऐप एप है एप्लीकेशन है, है, है आप पुनर्बलित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं मतलब हाँ हीन भावना पैदा हो जाएगी अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो बात अलग थी फिर मुझे ट्यूशन लगाना पड़ा और अच्छे नंबर लाने पड़े फिर उन्होंने पूछा कि कैसे समझ में आ रहा है तो फिर मैंने उनको बताया कैसे आ रहा है समझ में तो फिर उनको ठीक हो गई चीजें बाद में पीटीएम में मैंने बोला घर वालों को तो हो गए तो ये सब चीजें क्या है ये प्रॉब्लम है कि टीचर एटलीस्ट ईगो बना ले चीजें क्योंकि आपका उद्देश्य है बच्चे को समझ में आए किसी भी तरीके से आप वहां ईगो के लिए नहीं है आपसे बच्चा 20 साल या 15 साल छोटा है तो आपको यह देखना है कि आप उसके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं अपने ईगो को साइड करके आपका जो व्यवहार है वो एटलीस्ट ईगो फ्री रहे टीचिंग मेथड एंड री यानी शिक्षण विधि एवं पुनर्बलन यानी आप री भी कर पाए शाबाश भी बोल पाए बच्चे को मौका दे पाए आगे बढ़ने का आपके मेथड ऐसे हो कि उसको समझ में आसानी से आ पाए समझ पा रहे हो बात को या नहीं कई लोगों को पिक्चर देख के अच्छे से समझ में आता है यानी इमेज अगर मैं यहां लगा दूं तो उनको बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है कई लोगों को व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ना पसंद है उनको तब जल्दी से समझ में आ जाता है है ना तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो टीचर से रिलेटेड हैं उसके टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज जो टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स वो एक्टिविटीज क्या कराता है क्लास में वो सब्जेक्ट की नॉलेज कैसी है व्यवहार कैसा है ठीक मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं अलग अलग मेथड्स हैं चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स हैं, बहुत सारे बहुत सारे टीचर सेंटर्ड मेथड हैं, तो बच्चा कितना एक्टिव है क्लासरूम में उतना बेहतर वो सीख पाएगा और री कर पाए आप बच्चे को शाबाश वेरी गुड ये सब भी कह पाए ठीक आगे बढ़े थर्ड है फैक्टर्स रिलेटेड टू कॉन्टेंट या पाठ्य वस्तु से जो सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट यानी पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक क्या कहेंगे इसको सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो भी आप मैटर जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे भी तो कुछ संबंधित होंगे ना फैक्टर्स भाई हर एक सब्जेक्ट सेम तो नहीं होता ना सबको आप सेम तरीके से तो नहीं पढ़ाएंगे आप साइकोलॉजी में जितने उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ मैथ्स में अगर कोई इस तरीके से देगा तो वो फालतू बातें लगेंगी यहां पे अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल ना दूं तो मजा ही नहीं आएगा क्योंकि ये तो रियल लाइफ सब्जेक्ट है ना आपको जुड़ना पड़ेगा ये टू प्लस टू फोर तो नहीं हो सकता ठीक है बात तो समझ लेते हैं इस चीज को देखिए विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता यानी जो कॉन्टेंट है वो कितना गोल ओरिएंटेड है उसका उद्देश्य क्या है वो सिखाना क्या चाहता है ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखते थे हम बनाते हुए, ये है, ये हो इससे आप ये सीखेंगे आपको ये मदद करेगा ठीक क्लियर नहीं दिख रहा किसी को ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई पाठ्यक्रम की संरचना व प्रकृति यानी जो आपका सिलेबस डिजाइन हुआ है उसका स्ट्रक्चर कैसा है बहुत ज्यादा ऐसा तो नेचर नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट हो तो प्रकृति जिस तरीके से वो प्लान हुआ है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है विषय वस्तु का क्रम सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है अगर आपने प्रॉपर सीक्वेंस इजी टू डिफिकल्ट नहीं रखा डिफिकल्ट टू इजी कर दिया तो बच्चों को समझ में कहां से आएगा आकार बहुत बड़ा तो सिलेबस नहीं है इतना तो नहीं है कि बच्चा संभाल ही नहीं पा रहा और मात्रा ये सब भी इंपॉर्टेंट है अभ्यास का उचित विभाजन मतलब जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं वो समय समय पे होनी चाहिए ऐसा नहीं है प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दस दिन तक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं मतलब एक प्रॉपर कैटेगरी में डिवाइडेड हो आपका अभ्यास और आपके चैप्टर्स ठीक है बात ये बात क्लियर है या कोई समस्या है इस बात को समझने में कोई समस्या मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आने वाले हैं इसके जस्ट बाद जिसको हम कहते हैं लर्निंग कर्व लर्निंग कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे पूछा जाता है अलग अलग जगह पर मैं कुछ कॉमेंट्स चेक कर लेती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे फोन को लेटा करके देखो जैसे क्लियर नहीं देख रहा क्लास चलेगी डेढ़ घंटे आधा घंटा आई थिंक आपको हो चुका है या मोर देन दैट। बहुत बड़ा गुलशन गुलशन कह रही हैं प्रियंक प्रियांक इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलेंगे टेंशन क्यों लेते हो जो पुराना कोर्स ले चुके हैं पेडागलॉजी का उनको ये कोर्स अभी के लिए नहीं लेना है एटलीस्ट अभी तो वो बैच ही खत्म नहीं हुआ फिर एक और बैच क्यों लोगे कुछ जबरदस्ती या कुछ ऐसा बिहेवियर थोड़ी है कि कुछ सेल ही करना है वो बिहेवियर की स्पेलिंग ऑटोमेटिकली हो गई होगी वो ये इसलिए है कि सीरियस एस्पिरेंट एक जगह आ पाए और ये जो पूरा इसमें व्यवस्था लगी हुई है जो टीम वर्क करती है उनका उनकी चीजें आसानी से निकल पाए ठीक है नहीं पढ़ते तो हम YouTube पर भी हैं क्या समझे ये बात क्लियर ये बात बात है है या नहीं ना चलिए फिर बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ें नोट्स जरूर बनाएंगे डेली खुद से भी नोट्स मिलेंगे बट जो आप खुद से बनाते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है समझ पा रहे हो बात को या नहीं देखिए फैक्टर्स रिलेटेड विद दी सिस्टम यानी अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक भाई सिस्टम भी तो है ना स्कूल का वो जो पूरा एक सिस्टम है वो भी तो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेगा ना क्लास टाइम तीन से साढ़े चार फैक्टर्स रिलेटेड विद सिस्टम यानी अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक कौन से हो सकते हैं कक्षा कक्ष में छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था आपने एक अंधेरे कमरे में बिठा दिया बच्चे को कहां से सीखेगा वहां उसको सांस आने की भी दिक्कत हो रही है और आप कह रहे हैं कि सीखो कैसे पॉसिबल है तो फैक्टर्स रिलेटेड विद सिस्टम जो आपका आपकी व्यवस्था है स्कूल की या पूरे एजुकेशन सिस्टम की वो प्रभावित करती है बच्चे को इसीलिए हम समय समय पर प्रयास करते हैं कि हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है या पूरा जो स्कूल सिस्टम है वो बेहतर होता जाए उसमें परिवर्तन आते जाए तो क्लासरूम में जो छात्रों के बैठने की ये गलत लिखा है छात्र छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो यानी सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर हो जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर हो ठीक है बात कोई दिक्कत परेशानी विद्यालय व परिवार का वातावरण देखो फैमिली भी इंपॉर्टेंट है अगर बच्चे घर में मारपीट हो रही है डेली है ना अब्यूज हो रहा है खाने को नहीं मिल रहा उसे उसको आस पड़ोसी जो है वो सोशली अलग तलग सा फील करा रहे हैं वो कैसे सीख पाएगा स्कूल में वो तो इमोशनली वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि बच्चे के जो इमोशंस हैं जो उसका उसके संवेग है वो लर्निंग को प्रभावित करते हैं ठीक विद्यालय है, यानी स्कूल का माहौल भी बहुत इंपॉर्टेंट है डर भय का माहौल ना हो बल्कि एक फ्रेंडली माहौल हो जहां बच्चे को एक्टिविटी करने का फ्रीडम मौका मिले ठीक ये बात क्लियर है या नहीं है कोई समस्या है इतनी सी बात को समझने में रात को नौ बजे क्लास होगी आपकी डेली यूट्यूब पर राघव डेली ही चलेंगे चलेंगे सेशंस बीच बीच में ब्रेक की जरूरत होती है है ना कुछ दिन की छुट्टी रही है बट अब फोकस हम फिर से वापस करेंगे कमरों में रोशनी तथा हवा का प्रबंध प्रॉपर वेंटिलेशन हो जो आपके रूम्स हैं क्लास रूम्स हैं वहां पर फिर है उपकरण एवं प्रयोगशाला यानी जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं प्रॉपर वो टू डेट हो मान लीजिए किसी को केमिस्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट सिखाने तो आपके पास लैब्स हों इक्विपमेंट्स हो प्रॉपर जिससे वो सीख पाए ये भी तो मैटर करेगा ना कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में आगे बढ़ेंगे ये कुछ फैक्टर्स थे अब बी एस ब्लूम ने बी एस बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में एक टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण दिया सीखने के कुछ क्षेत्र दिए कुछ आयाम दिए 1956 में जिसमें उन्होंने थ्री डोमेन्स की तीन क्षेत्रों की बात की अधिगम के वो तीन क्षेत्र कौन से हैं इसको हम डिटेल में तो अलग से ही करेंगे ये चैप्टर ही अपने आप में अलग है बट आप थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में कॉग्नेटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष।, पक्ष।, पक्ष क्या है लर्निंग आपके दिमाग से भी जुड़ी हुई होती है आप दिमाग से सीखते हैं आपके संज्ञान आपकी मेंटल स्किल्स से जुड़ी हुई होती है अफेक्टिव यानी आपके इमोशंस से भी आपके जो संवेग हैं वो अधिगम को प्रभावित करते हैं इसलिए बच्चे के इमोशंस से भी आप जुड़ पाए इस तरीके से पढ़ाएंगे तो मजा आएगा नहीं तो दिक्कत होगी और बेहतर है कि तीसरा पक्ष क्या है साइकोमोटर या मनोगत्यात्मक यानी बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करके कोई एक्सपेरिमेंट करके भी अगर आप दिखा पाए तो और बेहतर लर्निंग होगी तीनों को अगर आप जोड़ पाए बच्चे के दिमाग को उसके इमोशंस को और उसके फिजिकल एक्टिविटीज को तो वो बेहतर सीख पाएगा क्लियर है ये बात हाँ, बिल्कुल हो जाएगा अनुझा यह बात क्लियर हुई या कोई समस्या है इस बात को समझने में लर्निंग के डोमेन है आयाम है सीखने के इस पर डिटेल्ड चर्चा हम फिर कभी करेंगे इसका मतलब यहां ये था कि लर्निंग में आपका दिमाग भी जुड़ा हुआ है आपके इमोशंस भी और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज भी अभी के लिए आप इतना ही समझेंगे अब लर्निंग कर्व्स की बात करते हैं लर्निंग कर्व्स यानी अधिगम के वक्र एक व्यक्ति है हरमन एबिंग हरमन एबिन घोस देखिए इंग्लिश में इनको हरमन मैं आपको वैसे बता देती हूं अलग से लिख के व्यक्ति का नाम है हरमन एबेन घोस यानी हिंदी में जो भी कहते हैं इनको ठीक हरमन हैबिंग घॉस या हरमन हैबिंग घस भी कह देते हैं कई लोग एविंग घस वॉट इट इज ठीक तो ये अंग्रेजी नाम है तो हिंदी में वैसी दिक्कत होती है ठीक हरमन एबिंग घॉस ने बेसिकली लर्निंग कर्व्स दिए यानी अधिगम के वक्र लर्निंग कर्व्स ये होते क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे लर्निंग कर्व्स यानी अधिगम अधिगम के वक्र कब अठारह में एटीन हंड्रेड एंड एटी फाइव में इन्होंने बेसिकली फॉरगेटिंग कर्व भी दिए थे लर्निंग कर्व होता क्या है कि आप कितने समय में कितना एफर्ट मार के कितनी दर से सीखते हैं मतलब क्या हुआ मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यहां पे है आपकी परफॉर्मेंस कि आप कितना सीख पा रहे हैं और यहां पे है टाइम कितने टाइम में आप कितना सीख पा रहे हैं इसको जब आप एक ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे तो इसी को हम लर्निंग कर्व कहते हैं ठीक तो इन्होंने चार प्रकार के कुछ लर्निंग कर्व दिए थे पॉजिटिवली एक्सिलेटेड कर्व नेगेटिवली स्ट्रेट लाइन और आपका एक एस शेप्ड कर इस पर हम चर्चा करेंगे ठीक नहीं अनुकृति कोई नेक्स्ट मंथ की फी नहीं है ये कंप्लीट बैचेस होते हैं एक ही फी में आप चार महीने कम से कम पढ़ते हैं इतनी बात क्लियर या नहीं तो अधिगम के वक्र यानी लर्निंग कर्व्स आपकी सीखने की दर समय के अनुसार कितनी है ये दर्शाया जाता है ठीक है अंकुल स्वामी इतनी बात क्लियर है हरमन एबेंगौस ने फॉरगेटिंग कर्व कितने समय में आप कितना भूल जाते हैं इस पर भी इन्होंने ही बात की बट हम बात करेंगे किस पे हम बात करेंगे लर्निंग कर्व की सिक्स नाइन नाइन है शिवांग देखिए लर्निंग कर्व यानी अधिगम के वक्र हरमन एबेन घोस ने तो दिए ही हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं लर्निंग कर्व होते क्या हैं? ये चार प्रकार के इन्होंने कर्व दिए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, जिसको स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं पॉजिटिव जिसको कॉन्केव यानी अवतल दर्पण वाला अवतल कहेंगे दर्पण नहीं है ये अवतल वक्र कहेंगे फिर ये उत्तल वक्र होगा जिसको नेगेटिव एक्सिलोरेशन कहेंगे और एस शेप्ड कर्व कर्व जो जिसको मिक्स्ड भी कहते हैं ये चार प्रकार हैं इनके अकॉर्डिंग ठीक है ठीक है? है बात सोनाली क्या कह रहे हो आगे बढ़े वॉट डज लर्निंग कर्व मीन

अधिगम वक्र का मतलब क्या है ये पूछा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ प्रोग्रेस कितना समय में आप कितना सीख पा रहे हैं जी निधि वो जो प्रोग्रेस है आपकी यानी लर्निंग कितनी हो पा रही है कितने समय में ये ग्राफिकली जब आप दर्शाते हो एक चार्ट पे एक ग्राफ पे तो इसी को हम लर्निंग कर्व कहते हैं कितने समय में कितना सीखा ठीक यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखने की प्रक्रिया में एकदम से दक्षता हासिल नहीं होती ये बात हम जानते हैं कि लर्निंग क्या है ग्रेजुअल है एक दिन में फटाक से आपको कोई सपना आएगा और आप सब कुछ सीख जाएंगे ऐसा नहीं होगा सीखने की प्रक्रिया में जो मास्टरी है मास्टरी है मास्टरी का मतलब जब आपको पूरी तरीके से आप परिपक्व हो चुके मास्टर बन चुके उस चीज के वो एक दिन में तो नहीं आएगी इतने सारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो इतने सालों साल मेहनत करते हैं और तब अपनी मास्टरी वो हासिल कर पाए हैं एक पेंटर है जो सालों साल से पेंटिंग करता है एक डांसर है जो सालों साल डांस सीखता है एक एक मूव को पता नहीं कितनी कितनी बार प्रैक्टिस करता है तो ऐसा तो नहीं है कि लर्निंग में मास्टरी जो है आंख बंद करके कभी भी एकदम से उत्पन्न हो जाएगी यानी ये ग्रेजुअल है टाइम लगेगा तो इसीलिए सीखने की जो गति है कि कितना टाइम लगेगा ये जो गति है जो आपका पेस है कभी तीव्र होती है कभी आप बहुत तेजी से सीख रहे होते हैं कुछ चीजों को हो सकता है आपको आधी पहले से आती हो हो सकता है आपको आसान लग रही हो चीज हो सकता है आप बहुत मोटिवेटेड हो तो आप तेजी से सीख लेंगे और कभी ये जो गति है वो मंद हो जाती है आपका मोटिवेशन का लेवल कम हो गया हो आपकी हेल्थ खराब हो गई हो मैथड अच्छा ना हो ये सारी चीजें हो सकती हैं और कभी कभी बिल्कुल रुक जाती है ऐसा हो जाता है बिल्कुल प्लेट्यू आ जाता है यानी पठार आ जाता है आपको लगता है कि आप सीख रहे हैं बट होता नहीं है आप आगे मूव ही नहीं कर पा रहे होते उसका रीजन क्या है रुक गई ठीक तो ये क्या है ऐसा लर्निंग कर्व में होता है योगेश क्लियर है ना इतनी बात आगे बढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ लर्निंग कर्व यानी सीखने के चरण सीखने के चरण यानी स्टेजेस ऑफ लर्निंग कर्व्स क्या है भाई सीखने के चरण या अधिगम के चरण कह सकते हैं उनको कुछ स्टेजेस हैं इसमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल लॉग इन करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली ऐप डाउनलोड करके इनिशियल स्टेज यानी प्रारंभिक अवस्था जहां लर्निंग धीमी होती है और धीरे धीरे बढ़ती है ठीक दूसरी है मिडल स्टेज यानी मध्य अवस्था यहां कभी बढ़ती है और कभी घटती है ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हमेशा ही बढ़ेगी बट जनरली ऐसा ही होता है ठीक लास्ट स्टेज लास्ट स्टेज है अगेन मास्टरी हासिल करते करते अंतिम अवस्था तक पहुंचते पहुंचते जो गति है वो फिर से धीमी हो जाती है ये बात क्लियर है सौरभ गोस्वामी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो बार बार मत परेशान हो ये तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा इतने दिन मतलब मेरे को हो गए हैं कुछ 2019 से मैं जुड़ी हुई हूँ सितंबर अक्टूबर से ये बात क्लियर है नहीं ये सिर्फ पैडागोजी का कोर्स है जो बाकी कोर्सेज हैं रीट वगैरह के उनमें सारे टीचर पढ़ाते हैं ये इसमें सिर्फ मैं ही डिस्कशन करूंगी ये मेरा पर्सनल बैच है इनिशियल स्टेज यानी प्रारंभिक धीमी होगी और फिर धीरे-धीरे बढ़ेगी धीमी गति से यहां पे पहले धीमे और फिर बाद में तेज मतलब धीमे और तेज कभी धीमे कभी तेज मिडल स्टेज में लास्ट स्टेज में धीमी होती है क्योंकि मास्टरी गेन कर रहे होते हो आप डिफिकल्ट difficult, डिफिकल्टी से ओवरकम कर रहे होते हो तो ये कुछ स्टेजेस हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होगी तो हेल्प मिलेगी अब कर ये जो चार प्रकार पढ़े थे हमने वक्र के यानी जो लर्निंग कर्व है उसके चार प्रकार हमने पढ़े थे इनको एक एक करके समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट है ठीक पहला प्रकार है लर्निंग कर्व का हमने पढ़े चार प्रकार किसके लर्निंग कर्व के जिसको दिया है हरमन एबिंगहॉस ने 1885 में पहला प्रकार है कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स यानी स्ट्रेट लाइन कर्व जिसमें सेम गति से होती है लर्निंग और टाइम दूसरा है आपका कॉनकेव यानी अवतल गति से होने वाला कर्व या अवतल वक्र जिसको कहेंगे तीसरा है उत्तल यानी नेगेटिवली टेड करव और फोर्थ है आपका एस शेप्ड कर्व ठीक क्लियर है बात यशोदा नंदन कैसा डर कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न डर होने लगता है जो कुछ गलत करते हैं जिनको खुद पे भरोसा ना हो है ना झूठ बोलते हैं ऐसे लोगों को लगना चाहिए डर मेरी ये सारी आदतें नहीं है तो मुझे डर कम ही लगता है रेयर ऑफ द रेयरस्ट केस में डर तो नहीं लगता वैसे मैं डर तो नहीं कहूंगी मुझे लगता ही नहीं है डर अब जा, सामने जान पे आई हो तो बात अलग है वैसे ये साइकोलॉजिकल फियर बहुत ज्यादा घेरते नहीं है कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न यानी समान निष्पादन वक्र समान निष्पादन वक्र यानी इक्वल रिटर्न नोटिफिकेशन हाथ में नहीं होता यूट्यूब खुद भेजता है कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न क्या है या स्ट्रेट लाइन कर्व भी इसको हम कह देते हैं लिख सकते हैं आप इसको स्ट्रेट लाइन ठीक लीनियर एक्सीलरेशन या रेखीय वक्र भी आप इसको कह सकते हो लीनियर मतलब सेम गति से होगा ठीक जी मनोज तो सीखने की समान गति यानी गति जो है जो रेट ऑफ लर्निंग है वो बिल्कुल सेम ही रहती है यहां जितना एफर्ट करोगे उतनी लर्निंग होगी जितना एफर्ट उतनी लर्निंग एक तरफ होता है टाइम कितने टाइम में और यहां होती है परफॉर्मेंस कितना अमाउंट ऑफ लर्निंग आपकी हो गई तो मान लीजिए पांच दिन दिए तो पांच पॉइंट तक ही लर्निंग हो गई मतलब जितना टाइम दे, दे, दे रहे उसी रेशियो में लर्निंग हो रही है तो ये आइडियल स्टेट हो गया ये आदर्श स्थिति हो गई मतलब क्या है ये आइडियल स्टेट है आपको लग रहा है कि ऐसा तो बेस्ट है अगर मैं टाइम दूं और लर्निंग हो जाए तुरंत तो इससे बढ़िया क्या है लेकिन ये इमेजिनरी है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितना टाइम दो उतनी लर्निंग हमेशा हो जाए कभी कबार पॉसिबल है तो कह सकते हैं कि दूसरे दिन भी उसी रेट से सीख रहे तीसरे दिन भी और पांचवे दिन भी तो ऐसा संभव तो नहीं है बट अगर ऐसा हो तो ये आइडियल स्टेट कहलाएगा या स्ट्रेट लाइन कर्व की अगर हम बात करें नेक्स्ट कर्व है आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन और कॉन्केव कर्व यानी पॉजिटिव एक्सिलरेशन और कॉन्केव कर्व इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है धनात्मक त्वरण वक्र या अवतल वक्र भी हम इसको कह सकते हैं धनात्मक धनात्मक त्वरण या अवतल वक्र पॉजिटिवली एक्सिलरेशन मतलब टाइम के साथ बढ़ती जाती है लर्निंग शुरुआत में डिफिकल्टी हो सकती है क्यों क्योंकि सीखने में जो मुश्किल चीजें होती हैं शुरुआत में कई बार हमें चीजें मुश्किल लग रही होती हैं कोई चीज नई होती है नई बिगनिंग होती है तो हमें समय लगता है समझने में चीजों को और आप को ये आप कोई नई जॉब भी ज्वाइन करते हैं तो आपको समय लगेगा वो चीज समझने में क्यों क्योंकि कौनके धनात्मक त्वरण है धीरे 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 और फिर गति बढ़ जाएगी आप फिर तो फटाक से करने लगेंगे फिर तो खेल हो जाएगा कुछ भी काम ठीक तो इसे बढ़ता हुआ या अवतल वक्र भी कहा जाता है यानी ये बढ़ते हुए क्रम में यानी इंक्रीजिंग है पॉजिटिव एक्सीलरेशन यहां है इस लर्निंग कर्व में टाइम के साथ शुरुआत धीरे से होती है और धीरे 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 धीरे, धीरे 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 बढ़ती जाती है तो इसलिए इसको पॉजिटिव एक्सिलरेटेड कर्व कहते हैं पॉजिटिवली एक्सिलरेटेड कर्व जितना समय देंगे बढ़ता जाएगा कौन मिरर की, की भी ऐसी शेप होती है ना प्रारंभ के प्रयासों में जो इनिशियल आपके एफर्ट्स हैं उसमें जो रेट ऑफ लर्निंग है वो धीमे होगा स्लो होगा शुरुआत में स्लो और बाद में फास्ट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ स्लो 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 और फिर एकदम से बढ़ा है इसका मतलब शुरुआत में चीजें मुश्किल लगती हैं टाइम लगता है समझने में नई होती हैं आप प्रिपेयर्ड कम हैं बट जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं वो गति बढ़ती जाएगी ठीक तो ये एक बेसिक बात हुई किसके बारे में पॉजिटिवली एक्सिलटेड कॉन्केव कर्व के बारे में थर्ड टाइप है नेगेटिव एक्सीलरेशन और कॉन्वेक्स कर्व भाई पॉजिटिव किसको कहेंगे जीरो से वन वन से टू टू से थ्री थ्री से फोर फाइव टू एट मतलब बढ़ते हुए क्रम में नेगेटिव एक्सिलेशन या कॉन्वेक्स कर्व, जिसको उत्तल वक्र या ऋणात्मक त्वरण वक्र कह सकते हैं उत्तल भी कह सकते हैं इसको दूसरे नाम से। इसमें क्या है ये बेसिकली शुरुआत में तो तेज होगा लेकिन बाद में धीरे 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 गिरेगी यानी नेगेटिव एक्सिलेशन है घटता हुआ या हास कहते हैं इसको

हो सकता है आपका मोटिवेशन स्तर गिर गया हो, हो सकता है आपको मुश्किल लग रही हो हो सकता है आपकी इच्छा खत्म हो गई हो हो सकता है आपको थकान हो गई हो तो हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है जो शुरुआत में तो तेजी से होता है और फिर घटता हुआ जाता है ठीक तो घटता हुआ या हास निष्पादन या उत्तल वक्र थकान अनिक्षा यानी विलिंगनेस नहीं है या फटीग है या कोई भी कारण है जिसकी वजह से शुरुआत तो बहुत तेज हुई थी बट अंत जो है वो बहुत नीचे की तरफ जा रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन है ठीक है जैसे कुछ लोग जब बैच लेते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं तैयारी शुरू करते हैं तो कुछ दिन तक बड़े मोटिवेटेड रहते हैं उसके बाद धीरे धीरे वो डाउन चले जाते हैं ठीक नंबर आगे बढ़ेंगे फोर्थ देखिए एक बार ये लास्ट कर्व है एस शेप्ड और मिक्स्ड कर्व यानी एस आकार या मिश्रित वक्र हम इसको कह सकते हैं एस शेप ही इसकी एस जैसी है एस कैसी है पहले बढ़ेगा पहले धीमे धीमे शुरू होगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा मतलब हम कह सकते हैं शुरुआत में जो धीमी गति है स्लो पेस पे बढ़ेगा शुरुआत में ठीक फिर तेजी से ये देख रहे हो आप कितनी तेजी से यहां चढ़ाव है यानी फास्ट हो जाएगी जो लर्निंग की पेस है आपकी फिर है अंत में फिर से धीमी हो जाएगी यानी फिर से स्लो यानी स्लो फास्ट स्लो तो स्लो स्लो, फिर फास्ट फिर स्लो क्या है एस शेप बन गई कैसी शेप बन गई एस बन गई फी है मिस्टर खान। शिवांगी कह रही है पॉसिबल है, है ऐसा क्या आप कई साल से तैयारी कर रहे हो जिन्होंने पेडागोजी स्पेशल बैच लिया हुआ है उनको बिल्कुल भी नहीं लेना है बिल्कुल भी कदापि नहीं क्योंकि अभी वो बैच ही खत्म नहीं हुआ है ये उसी बैच में कंटिन्यू होगा उसी में क्लासेस ओपन हुई है ठीक तो हम कह सकते हैं शुरुआत में स्लो ग्रोथ होगी फिर फास्ट और देन फिर स्लो तो इसीलिए एस शेप्ड है ये एस शेप्ड है ये भी बेहतर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर चलेंगे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक ही है ये तो अपने आप में प्लेट्यू इन लर्निंग यानी अधिगम में पठार पठार आपने कभी देखे होंगे वो कूड़े के ढेर है ना या फिर रेगिस्तान वगैरह में पठार पाए जाते हैं आपको पता है वो सपाट होते हैं मतलब फ्लैट होते हैं अगर मैं कहूं तो ठीक फ्लैट होते हैं सपाट लिख सकते हैं आई थिंक ठीक हॉरिजॉन्टली फ्लैट होते हैं ऐसे अब ना वो ऊपर जा रहे हैं ना वो नीचे जा रहे हैं एकदम तो फ्लैट दिख रहे हैं आपको प्लेट्यू इन लर्निंग यानी अधिगम में पठार ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है बट ये पॉसिबल है या होता है ऐसा ये कैसा है आपने समय दिया नंबर ऑफ ट्रायल्स और परफॉर्मेंस शुरुआत में क्या होगा स्लो बिगनिंग हुई फिर आप तेजी से सीखे फिर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जहां आपकी लर्निंग ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है बिल्कुल शून्य या बिल्कुल कह सकते हैं स्थिर हो गई है नो प्रोग्रेस प्रोग्रेस no आपको लग रहा है आपका सेचुरेशन पॉइंट आ गया है अब इससे आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है है तो ये क्या है? प्लेट्यू की अवस्था है कि ना तो आप आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं जीरो प्रोग्रेस है कुछ भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कुछ नया नहीं सीख पा रहे हैं आपको स्टेगनेंट फील हो रहा है रुका हुआ फील हो रहा है दिस इज प्लेट्यू इन लर्निंग आपको पठार फील होता है ये क्या है पठार किस वजह से आ सकता है पठार आपके थकान की वजह से आ सकता है रुचि खत्म हो गई हो मेथड इंटरेस्टिंग ना रहा हो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से प्लेट्यू या पठार का सामना अधिगम में करना पड़ेगा और इनको अवॉइड नहीं कर सकते बट अगर टीचिंग मैथड अच्छा हो अगर माहौल अच्छा हो यदि मोटिवेटेड रहे बच्चा वेज अच्छे हों तो इसको हटाया जा सकता है निवारण इसका संभव है आगे फिर से लर्निंग अच्छी हो जाएगी तो हम कह सकते हैं वो स्टेज पठार कहलाती है जब जीरो प्रोग्रेस की स्थिति है ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना आप पीछे जा रहे हैं मतलब आप किसी एक पॉइंट पर खड़े हुए हैं स्टेगनेंट फील हो रहे हैं कर रहे हैं आगे बढ़ेंगे आप एफर्ट मार रहे हैं कुछ नहीं हो रहा तो ये पठार है अगर आप इसका एक और डायग्राम देखना चाहते हैं दिस इज पठार जीरो प्रोग्रेस कोई प्रोग्रेस ही नहीं है ना रुकावट कह लीजिए सॉल्यूशन क्या है आपकी अंत हो आज के लिए फिर हम कल बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बाईलेटरल यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या है इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी तो उसमें कई प्रकार के वर्टिकल ट्रांसफर क्या है हॉरिजोंटल क्या है? है ना ये सारी बात करेंगे रीजन ऑफ इन लर्निंग पठार के कारण भाई सीखते समय पठार आता क्यों है एक ऐसी स्थिति क्यों आ रही है जब आप ना पीछे जा रहे हैं ना आगे जा रहे हैं ऐसा क्यों तो रीजन ऑफ इन लर्निंग यानी अधिगम में जो पठार के कारण हैं या कारक हैं, वो हो सकते हैं कार्य की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्स हो गया हो जो काम है जो भी एक वर्क है जो भी एक स्किल आप सीख रहे थे वो इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि अब आप बहुत एफर्ट मारते हैं तब भी वो हल्का सा भी इधर उधर नहीं होता पानी पीने की बात कर रहा है कोई बिल्कुल पिएंगे पानी भी अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया एक मिनट रुको ये कौन है जो कह रहा है मैम की एज सत्ताईस साल है, है मतलब चार साल आगे खैर मुझे इनकम और एज दोनों में कोई समस्या नहीं है बट ऐसे झूठ झूठ मत फैलाया करो यार दिल पे लग जाती है वैसे ही जीवन बहुत कम सालों का है सत्ताईस की दिखने लग गई हूं क्या मैं हैं <coughs> देखो एक बार खैर ये तो मजाक की बात हुई थोड़ा माहौल लाइट हुआ आ जाओ इधर अगर हम ये कह सकते हैं कि कार्य की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा आज अप्रैल फुल डे अरे बहुत बढ़िया ग्रेट मेरा भाई भी आज रात से ही अप्रैल फुल डे मना रहा है बारह बजे से ही। वो कैमरा यूज कर रहा था तो वो कुछ कुछ बनाता रहता है वीडियो तो मैं उसको बोलती रहती हूँ खराब मत करियो ये वो तो वो कह रहा ओ इसका तो लेंस टूट गया क्रैक आ गया इसमें तो पागल है क्या तो ऐसे देख रहा हैं मेरे को मैं समझ गया मैंने कहा जा बेटा रहने दे छोटा है अभी तो उसने कहा अप्रैल फूल है कार्य की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्स हो गया हो जो नेचर ऑफ वर्क है वो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ गई हो ठीक फिर है ज्ञान की सीमा आपकी नॉलेज का अंत हो गया हो आपकी नॉलेज में कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ आप खुद पे काम नहीं कर रहे एज अ लर्नर आप भूल जा रहे हैं बस आपको 40 साल हो गए पढ़ाते हुए आप वही पढ़ाते जा रहे हैं पानी पी के बहुत अच्छा लगा ज्ञान की सीमा यानी जितना आपको आता था वो उसकी सीमा तक पहुंच गए आप अब आगे आप सीख नहीं रहे तो जितना आता था उतना आपने यूज कर लिया अब आगे कुछ नया आता नहीं है तो सीखने में दिक्कत होगी वहीं रुक गए फिर तो ठीक जहां आप रुक गए वहां फिर रुक गए पठार आ गया शारीरिक व मानसिक क्रिया में कमी भाई फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं आप आगे बढ़ने के लिए देख रहे हैं देवाशीष कॉमेंट आपका थकावट यानी फटीग इंटरेस्ट की कमी वातावरण की कमी हो सकता है माहौल ही ना बचा हो सीखने का आसपास बिल्कुल रहेगा सविता डेली चलेगा यूट्यूब परिपक्वता में कमी यानी मैच्योरिटी में कमी हो सकता है आप उस एक टास्क के लिए मेच्योर ना हो अभी आपको लग रहा हो कि इतनी चीजें हैं ये तो मेरी उम्र खेलने कूदने की थी ऐसा मुझे लगा है समय समय पे क्योंकि चीजें बहुत सारे प्रेशर या लोड आए हैं एक टाइम पे ये तो खे, खेलने कूदने की उम्र थी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म ही नहीं होता वो वो मसान का डायलॉग है ना ये दर्द खत्म नहीं होता तो ऐसे ही मेरे को फील होता था कि यार ये काम ही खत्म नहीं होता मतलब समझ नहीं आता चल क्या रहा है मैनेज नहीं कर पा रही हूँ चीजें ठीक तो परिपक्वता में कमी हो सकता है एज से ज्यादा आपके ऊपर लोड आ गया हो ठीक तो हाँ मैं अप्रैल फूल बन गई सही कह रहे हो तो हम कह सकते हैं कि एज से ज्यादा या परिपक्वता मेचोरिटी से ज्यादा चीजें हों सामने ठीक आगे बढ़ते हैं कार्य के प्रति उदासीनता भाई तो छोटा बारह तेरह साल के कार्य की कार्य के प्रति उदासीनता यानी अब आप इंटरेस्टेड नहीं रहे है ना शुरुआत वाली बात नहीं रही गलत आदतों से सीखना सर नीचे और पैर ऊपर करके सीखते हो आप मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बट ऐसी हैबिट्स हो सकते हैं जो हेल्दी ना हो आपके लिए आप बेड पर पड़े रहते हैं और सो जाते हैं फिर दो घंटे बाद तो आदतें गलत हो सकती हैं जिनसे आप सीख रहे हो सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग जो मेथड्स हैं वो ठीक ना हो वो मेथड्स आपको बहुत भारी लग रहे हो हो सकता है कोई चीज बहुत आसानी से समझाई जा सकती थी बट किसी ने आपको इतना मुश्किल कर दिया उस चीज को कि आपको डर लगने लग गया मैथ्स में ऐसा बहुत बार होता है कि आपको सही मैथड्स या फिर इंटरेस्टिंग नहीं बना पाते कई लोग टीचर्स और इंटरेस्ट आपका लूज हो जाता है तो अनुचित विधि होगी तब भी हो सकता है कि आप एक पॉइंट के बाद रुक जाए जाकर के आगे बढ़ेंगे अब इनका सॉल्यूशन क्या है इन सब पॉइंट्स को उल्टा कर दीजिए सॉल्यूशन निकल आएगा भाई हम्म अगर आप इन सभी पॉइंट्स को उल्टा कर दें तो सॉल्यूशन निकल आएगा एक मिनट रुको मैं कमेंट पढ़ लू आपके बैच लेना है मुझे कैसे लू प्रमोद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ लिंक है हाँ रात को तो हमेशा चलेगी क्लास कोई दिक्कत नहीं है मोटिवेशनल कोर्ट सुना दो नहीं सुनाएंगे अरे यार एक बहुत ही प्यारा सा कोट मैंने पढ़ा था मैं भूल गई लेकिन हिंदू वर्ष मनाइए मना लेंगे नौ बजे हो गया आज क्लास और बताओ अजय कुमार जी बहुत बढ़िया पानी पी के बहुत एनर्जी आ गई यार ऑक्सीजन मिल गई छब्बीस परसेंट मैम पढ़ाओ फालतू बातें मत करो अरे यार रोबोट हूँ क्या वैसे ही मैं कम करती हूँ बातें आजकल कभी कभी तो करने दो हैं आप दिन को रात कहेंगे तो हम रात कहें अपनी मर्जी से ना पढ़ाएं हैं ईमेल्स पढ़ा करो मैम चलो पढ़वाएंगे धीरे धीरे इंस्टा पे मैसेज नहीं पढ़ते बहुत मैसेजेस आते हैं वैसे हम इंस्टाग्राम पे नब्बे हज़ार लोग हो गए हैं बहुत खुशी की बात है टाइम यही रहेगा तीन से साढ़े चार का जी सोनिया चलिए आइए वापस से आते हैं अब सॉल्यूशन ये लास्ट टॉपिक है अभी ये क्लास खत्म होने की कगार पे है आपकी लंबी भी हो गई है सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो सॉल्यूशन है कि आप इंटरेस्टिंग बनाएं किसी काम को टुकड़ों में तोड़ करके कराएं पार्ट में आप सिखा सकते हैं जिससे बोरिंग ना बने फैटिक क्रिएट ना हो पार्ट्स में सिखा सकते हैं जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा दे सकते हैं एक हेल्दी एनवायरनमेंट टीचर्स प्रोवाइड करा सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डायग्नोस करा सकते हैं टाइम से डायग्नोस करें उसका पता लगाएं कि समस्या क्या है ठीक छुट्टी नहीं होगी विवेक मिश्रा जी अब छुट्टी की कोई जगह नहीं है अब हमारे जीवन में सैटरडे संडे को छुट्टी रहेगी सिर्फ उसमें भी कुछ ना कुछ करेंगे मंडे टू फ्राइडे आपकी यूट्यूब पे भी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी ठीक क्लियर हो गई बात तो सॉल्यूशन अगर आप इसको ही घुमा करके देखेंगे मैं आपको बता ही देती हूं अगर आप इस प्लेट्यू या पठार से निकलना चाहते हैं या अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि जटिल कार्य को भी आसान तरीके से बताया जाए यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैथड्स ऐसे यूज किए जाए जो आसान हो समझने में ज्ञान की सीमा को और बढ़ाया जाए शारीरिक व मानसिक एक्टिविटीज आपकी हेल्दी रहे ऐसा एनवायरमेंट हो इंटरेस्ट बना रहे थकावट ना हो न्यूट्रिशन से लेके हर चीज आपकी जो परिपक्वता के अनुसार आपको सिखाया जाए है ना कार्य के प्रति उदासीनता ना हो विलिंगनेस बनी रहे आदतें ठीक हो मेथड्स ठीक हो वेज ठीक हो नौ बजे क्लास होगी आपकी सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग उचित विधियों का प्रयोग किया जाए ठीक है बात इतनी सी बात है अब किसी का कोई डाउट हो कोई समस्या कोई दर्द बाकी हो तो बता दीजिए मैं कुछ कमेंट्स देख लेती हूं इसी बात पे कोई और समस्या हो तो बताओ नहीं अभी पेपर आता है तो बहुत सारे लोग जागते हैं पढ़ने के लिए पेपर से पहले गायब हो जाते हैं जैसी डेट एक्सटेंड होती है तो ये उनके लिए दुख की बात है आपके लिए नहीं आपको पढ़ाई करनी चाहिए पुराने बैच वालों को नया बैच अभी लेने की कोई जरूरत नहीं है जब तक उनका पूरा बैच चार महीने का कंप्लीट नहीं हो जाता क्या समझे आज ठीक है एक मिनट रुको आप लोगों के okay. क्लास ये तीन से चलेगी साढ़े चार तक शाम की क्लास यूट्यूब हो पर होगी या करियरवल ऐप पर होगी और कोई दुख दर्द परेशानी बाकी हो तो बता दीजिए करियरवल के भी कुछ कमेंट्स में देख लेती हूँ चलिए आज के लिए इतना ही होपफुली आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा या थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा होगा बैच कमेंट्स क्या कह रहे हो भाई एक मिनट रुको 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 देखो जिनको बेसिक से और बिल्कुल पूरा पारंगत बनना है एक ही बार साइकोलॉजी पूरी पढ़नी है तो बैच बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो जिनकी पहले से तैयारी है और उनको रिवीजन करना है वो यूट्यूब से भी कर सकते हैं ठीक बट मैं रिकमेंड करूंगी कि एक बार जरूर आप ये बैच ज्वाइन करके और पढ़ें प्रॉपर चार महीने नोट से लेकर के और पूरा रिवीजन तक उससे होगा क्या एक तो कॉन्टिन्यूटी बनेगी और दूसरा जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं मेरी कोशिश ऐसी रहेगी चार महीने में, में लगभग चाहे वो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चाहे वो जितने भी तरह के टॉपिक हो उनको कवर किया जाए करियर विल ऐप के कमेंट नहीं लिए नहीं करियर विल ऐप के कमेंट ले रही हूं मैं बीच बीच में लिए हैं ऐसा नहीं है बाकी परसों से आप ही लोगों के लेने हैं और और क्या करे आपका चश्मा टूटा हुआ है हाँ 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 आप तो अप्रैल फूल ही चलेगा ना पूरे दिन हम तो बेच के खा गए हैं दिमाग है ना हमें तो पता ही नहीं कुछ ऐसे ही हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं है? फोन का स्क्रीन टूट गया अरे ये ये थोड़ा खतरनाक है दर्द होगा इसमें बट ठीक है कोई बात नहीं हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है वंदना दस परसेंट दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है हाँ डिट प्लस भी में बिल्कुल हेल्पफुल होगा यार बिल्कुल अगर ये हेल्पफुल नहीं होगा ना डिट प्लस भी में तो फिर कहीं का हेल्पफुल नहीं होगा मतलब लिख के ले सकते हो इस चीज़ कोई दुनिया से अलग चीज़ नहीं सिखा सकता जो चीज़ें इसमें हो रही हैं वो काम की होती हैं अगर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आता है तो वो फिर सभी के लिए आता है ऐसा कोई नहीं है कि जब पेपर अगर आउट ऑफ सिलेबस आए तो वो और वैसे ऐसा होता नहीं है बहुत बढ़िया और भी कितने अच्छे अच्छे मतलब हाँ कितने अच्छे अच्छे कॉमेंट कर रहे हो ना इसके लिए आप चाह रहे थे कि ऐप के कॉमेंट लिए जाए हैं कमाल व्यक्ति हो भाई एक मिनट देखने दो मेरे को कमेंट्स यूट्यूब के भी ये तो मैं फोन में भी देख सकता अच्छा हम लोग आज सत्रह लाख हो गए यूट्यूब पर जुड़कर दीक्षा करें आपके हेयर वाइट हो गए हाँ बिल्कुल वाइट दिख रहे हैं मुझे भी सही कह रहे हो बिल्कुल अप्रैल फूल है बिल्कुल सही कह रहे हो इसीलिए बेताब हो गए ना आपकी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की बुक हाँ होगा सतीश सिंह बट क्या करें अब आपकी हरकतें ऐसी आपको ब्लॉक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम्म और बताइए बोर्ड एग्जाम्स के लिए टेंस हैं है, मैम फेस पे कलर्स कलर लगाया हाँ होली है ना आज इसलिए न्यू फ़ोन की पार्टी दे दो हाँ दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है कोई इशू नहीं है ले लेना पार्टी मीटअप करेंगे जल्दी ही अलग अलग जगह हम्म चलिए बहुत बढ़िया या सीखने की अवस्थाएं जरूरी नहीं है कि सार्वभौमिक यूनिवर्सल हूं वो जो इनिशियल और ये सारी जो स्टेजेस हैं ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे इनको आप यूनिवर्सल नहीं कह सकते जो सीखना यूनिवर्सल है बट ये जो इनिशियल और मिड स्टेज थी ये सारी नहीं होंगी देखिए क्वेश्चंस की अलग से शीट आएगी इस चैप्टर के लिए और पहले ये चैप्टर पूरा होने दो तभी तो आपको शीट मिल जाएगी फिर प्रैक्टिस करके आंसर करना फिर मैं डिस्कशन करूंगी एक दिन ये यूनिवर्सल नहीं होती है ये डिपेंड करते हैं पर्सन टू तो पर्सन और बहुत सारी चीज़ों में ठीक आ, आप मोटे क्यों नहीं होते यार इससे ज़्यादा वेट मेरा कभी हुआ नहीं है जितना अभी है आज से मैं एक्सरसाइज करने का सोच रही थी बट आप लोगों ने पाँच बजा दिए सात बजे फिर से क्लास है नौ बजे फिर से क्लास है कैसे जिए इंसान क्लास ही नहीं लेता रहे बस चलिए फिर आज के लिए इतना ही जिनको ये बैच लेना हो कमेंट सेक्शन में या इसमें डेस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक अवेलेबल है नहीं तो करियर वाला ऐप डाउनलोड करके वहाँ पेडागॉजी स्पेशल बैच पे जा करके बाय नाउ करके ले सकते हो चलिए बाय बाय टेक केयर धन्यवाद